जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है जानकारी अपडेट्स जानकारी निकल के आ रहा है। आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ व्यापम ने जारी किया भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन। तो आप सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की बहुत अच्छी खुशखबरी है, जानकारी अपडेट्स निकल के आ रहा है और छत्तीसगढ़ के सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है योजना है। सीजी व्यापम के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन जो है जारी किए गए हैं, जिसके वजह से छत्तीसगढ़ के सभी स्टूडेंट को जॉब मिल पाएगा, रोज़गार मिलेगा। क्योंकि आप से हर एक स्टूडेंट यही सोचते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिले और एक के बाद एक जो है नई नई वैकेंसी नई नई भर्ती विज्ञापन जो है जारी हो। तो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है भर्ती विज्ञापन जो है प्रकाशित हो चुका है और इसका सीधा सीधा लाभ आप लोगों को बेनिफिट देखने को मिलेगा और आपका सिलेक्शन जरूर हो पाएगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ में अब जो है 76% आरक्षण जो है पूरा के पूरा सर्व समिति से पारित हो चुका है और इसके साथ ही 76% आरक्षण राज्यपाल ने भी हस्ताक्षर कर दिया है और राजपत्र में भी प्रकाशित हो चुका है। और राजपत्र में प्रकाशित हुआ है मतलब आपको पूरा का पूरा 76% आरक्षण का लाभ मिलेगा, जिसमें ST वर्ग को 32% आरक्षण का लाभ मिलेगा, OBC वर्ग को जो है 27% और SC वर्ग को 13% आरक्षण और EWS आर्थिक रूप से कमजोर जो EWS में स्वर्ण है उनको जो है 4% आरक्षण का मिलेगा। तो इस वक्त की बेहद ही महत्वपूर्ण जो है जानकारी अपडेट्स है, एक के बाद एक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी जो है भर्ती विज्ञापन आप लोगों के लिए जारी किए गए हैं ताकि छत्तीसगढ़ के सभी स्टूडेंट इसका लाभ ले सके और आपको बेनिफिट्स मिल सके। और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है भर्ती विज्ञापन जो है आप लोगों के लिए जारी किए जा रहे हैं ताकि छत्तीसगढ़ के सभी स्टूडेंट को जो है जॉब मिल सके, रोज़गार मिल सके और आपके जो है जो भी आपके सपने हैं वो सभी सपने जो है पूरे हो सके। तो यदि आपको भी सपने पूरे करने हैं तो आप जो है अपने सपने पूरे कर सकते हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन जारी हुआ। तो भर्ती विज्ञापन क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपका महत्वपूर्ण भर्ती जो निकला है वो आपका जो है ADO का। जी हाँ, आपके जो है छत्तीसगढ़ में ADO के जो है 250 यानी 250 पदों पर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भर्ती निकल कर आया है। ADO के 250 पोस्ट हैं सहायक विकास से सार अधिकारी के। तो यदि आप ADO बनना चाहते हैं ADO अधिकारी, क्योंकि ये व्यापम में काफ़ी महत्वपूर्ण पोस्ट होता है। ADO में जो स्टार्टिंग सैलरी आपको जो है 35,000 रुपये जो है देखने को मिलता है 35K। जी हाँ, 35,000 रुपये जो आपको स्टार्टिंग सैलरी इसमें मिलेगा। और ADO भर्ती परीक्षा में आवेदन करने की बात करें तो इसके लिए सिंपल आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से आपका जो है स्नातक की डिग्री आपका कंप्लीट होना चाहिए, फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप आप जो है कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन बस सिंपल आपका जो है होना चाहिए। यदि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है किसी भी सब्जेक्ट से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपने BA के हो, BSc के हो, BCom के हो, पॉलिटेक्निक के हो, BPharmacy के हो, नर्सिंग के हो, इंजीनियरिंग के हो, कोई भी हो, बस इसके लिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, फिर आप इसके लिए आसानी से जो है आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ हॉस्टल वार्डन के भी काफ़ी महत्वपूर्ण वैकेंसीज हैं। हॉस्टल वार्डन के टोटल जो है 400 पदों पर जो है छात्रवास अधीक्षक के महत्वपूर्ण भर्ती निकल कर आए हैं। तो यदि आप हॉस्टल वार्डन बनना चाहते हैं तो छात्रवास अधीक्षक बनने के लिए आपको जो है सिंपल 12वीं पास होना चाहिए, 12वीं आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से होना चाहिए, फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप आसानी से जो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर पाएंगे और आपका सिलेक्शन जो है डेफिनेटली अवश्य रूप से हो सकता है। और देखिए, कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम जो है असल में मुश्किल होता नहीं है, आपको लगता है कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। आप अच्छे से अगर मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो सकता है। तो इसके लिए सिंपल आपका 12वीं पास होना चाहिए माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से, और हॉस्टल वार्डन के लिए आपका जो है 1 वर्ष का कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि आपने 1 वर्ष का कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स किया है, यदि आपने ITI कोपा किया है, DCA किया है, PGDCA किया है, BCA किया है, या फिर आपने कंप्यूटर साइंस किया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप आसानी से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर पाएंगे और आपका सिलेक्शन जो है हो सकता है। तो कंप्यूटर्स भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण कोर्स होता है जिसमें आप आसानी से जो है आवेदन कर पाएंगे और आपका सिलेक्शन जो है डेफिनेटली हो सकता है, जिसमें आप हॉस्टल वार्डन बन सकते हैं, 22,000 सैलरी मिलेगा। इसके साथ सिंचाई विभाग की बात करें तो सिंचाई विभाग में आपका अमीन पटवारी यदि आप बनना चाहते हैं जो जल संसाधन विभाग में आता है, अमीन पटवारी का भी काफ़ी महत्वपूर्ण पोस्ट है। सीधा सीधा 288 पदों पर आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भर्ती योजना निकल के आया है सिंचाई विभाग में। तो इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सिंपल आपका जो है 12वीं पास होना चाहिए, 12वीं आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से होना चाहिए, फिर आप जो है छत्तीसगढ़ में अमीन पटवारी बन सकते हैं। और इसके साथ यदि आपने ITI कोपा किया है, DCA किया है, PGDCA किया है, BCA किया, या फिर अपने
कंप्यूटर साइंस के, तो आप इसके लिए बेझिझक जो है आसानी से आवेदन कर पाएंगे, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो सकता है। और कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम जो है मुश्किल नहीं है, बस आपको अच्छे से मेहनत करना है, आपको अच्छे से तैयारी करना है, प्रिपरेशन करना है, आपका सिलेक्शन जो है डेफिनेटली अवश्य रूप से हो पाएगा। और कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम जो है मुश्किल नहीं है, बस मेहनत आपको करना है, आपका सिलेक्शन जो है ज़रूर हो पाएगा। और अब सिंचाई विभाग की बात करें, अब उसके बाद आपका जो है छत्तीसगढ़ में जो है ट्रैफिक पुलिस की बात करें, तो छत्तीसगढ़ में जो है ट्रैफिक पुलिस के काफ़ी महत्वपूर्ण पोस्ट हैं, 2000 पोस्ट है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में जो है ट्रैफिक पुलिस के 2000 पदों पर काफ़ी महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन आप लोगों के लिए जारी हो रहे हैं। तो ट्रैफिक पुलिस यदि आप बनना चाहते हैं तो इसके लिए सिंपल आपका 12वीं पास होना चाहिए। और इसमें जो है सिलेक्शन प्रोसीजर 3 चरणों में होता है। तो सबसे पहले तो आपका ट्रैफिक पुलिस के लिए फिजिकल टेस्ट होगा, फिर आपका रिटर्न एग्जाम्स होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा। तो इस तरह से आपका जो है तीनों प्रक्रिया से आपको फेस करना होगा, उसके बाद ही आपका जो है सिलेक्शन हो पाएगा और आप जो है छत्तीसगढ़ में ट्रैफिक पुलिस बन सकते हैं। इसके साथ जेल प्रहरी की बात करें, तो जेल प्रहरी के भी 2000 पदों पर काफ़ी महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन निकल कर आए और आप जो है जेल प्रहरी भी बन सकते हैं। इसके लिए भी आपका जो है 12वीं पास होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ में आप लोगों के लिए छत्तीसगढ़ व्यापम ने जो है जारी किया भर्ती विज्ञापन नोटिफिकेशन, तो छात्रों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, आवेदन करना शुरू कर सकते हैं। और इसके साथ आपको बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो है CGPSC में 189 पदों पर काफ़ी महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन आप लोगों के लिए निकला है और 1 दिसंबर से आवेदन करना जो है शुरू हो चुका है। तो 1 दिसंबर से जो है 20 दिसंबर तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, आप जो है फॉर्म फिलअप कर पाएंगे और आपका सिलेक्शन जो है हो सकता है। और कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम मुश्किल नहीं है, बस मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन जो है ज़रूर हो पाएगा। और कभी भी ये मत सोचना कि मुझसे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। आप में बहुत ही ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है, आप में बहुत ही ज़्यादा कैपेबिलिटी काबिलियत है। अपनी कैपेबिलिटी को पहचानिए, काबिलियत को पहचानिए, खुद के ऊपर भरोसा कीजिए, किसी के और के ऊपर भरोसा मत कीजिए। और आने वाले समय में जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षक टीचर्स के जो है 12489 पदों पर भी काफ़ी महत्वपूर्ण भर्ती वैकेंसी जो है विज्ञापन आप लोगों के लिए जारी होंगे। तो बस आप लोगों को अच्छे से मेहनत करना है, तैयारी करना है, आपका सिलेक्शन जो डेफिनेटली अवश्य रूप से हो पाएगा। तो छत्तीसगढ़ में 489 पदों पर काफ़ी महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन आप लोगों के लिए निकल के आ रहा है। तो इसी तरह से CGPSC प्यून भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आपके आने वाले समय में जो है CGPSC प्यून भर्ती परीक्षा का भी रिजल्ट आ जाएगा। तो एक के बाद एक आप लोगों के लिए नई नई वैकेंसीज, नए नए अपडेट आते जाएंगे। तो बस मेहनत कीजिए, आपका संघर्ष, आपका मेहनत जरूर रंग लाएगा, आपका सिलेक्शन जरूर हो पाएगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो से आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ध्यान करके रख लीजिए। और आपका अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं और आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई अवश्य करूँगा। तो इसी तरह से मेरे चैनल पर आप सभी लोगों को नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड अप टू डेट वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियोस को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि बाकी स्टूडेंट को भी इसी तरह से जानकारी मिल पाए। धन्यवाद।